सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल्ड रोटी। आज मैंने ट्राई किया एक फेमस यूट्यूब चैनल एन ओवन केक्स एंड कुकीज की रेसिपी। इस चैनल के ना 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इस रेसिपी का नाम है नो बेक पुडिंग पेस्ट्री। रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने सोचा इसको बना के देखते हैं, लेकिन इट वॉज अ फेल। ये रेसिपी फेल क्यों थी, आपकी बहन ना इसका जरा पोस्टमार्टम करके ना आपको सारा कुछ बताएगी, आप बस देख ही जाएं। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी के मुताबिक 200 ग्राम क्रश्ड बिस्किट्स लेने हैं। फिर दिखाया गया कि इसमें जाना है 1/4 कप पिघला हुआ मक्खन। अब ये रेशियो देख के ना मेरी घंटी बजी के बेटा, ये रेशियो ठीक नहीं है। 200 ग्राम बिस्किट्स को क्रस्ट बनाने के लिए कम से कम 1/2 कप मक्खन चाहिए होगा। देखिए, मैंने अपनी इस फीलिंग को ठुड्डी कराया और 1/4 कप मक्खन मैंने इसमें डाल दिया। उसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया, लेकिन मिक्सचर ड्राई का ड्राई ही था। यह मकसद ये था कि जब मिक्सचर को हाथों में प्रेस किया जाए तो वो अपनी शेप होल्ड करे, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन मैंने रेसिपी फॉलो की और इस ड्राई मिक्सचर को ही पार्चमेंट लाइंड पैन में डाल दिया। आधे खुश्क बिस्कुट मैंने पैन में डाले तो मेरे पे इंकशाफ हुआ कि वेट अ मिनट, बिस्किट्स बहुत ज्यादा है। अगर सारे डाल दिए तो आधा डेजर्ट ही सिर्फ ये बिस्किट्स होंगे। तो मैंने हाथ रोक लिया, जो कि ठीक फैसला था, और आधे से ही काम चलाया। इसको डिश में अच्छे से प्रेस करने की कोशिश की। मुझे अभी भी लग रहा था कि बहुत ड्राई है, ये चिपकेंगे नहीं, लेकिन सानू की। उठा के मैंने इसको फ्रिज में रख दिया और फिर बनाई पुडिंग। अब पुडिंग बनाने के लिए चाय बनाने वाले सॉस पैन में मैंने 1.5 कप दूध डाला, 1/2 कप डाला कंडेंसड मिल्क जो कि शुगर को रिप्लेस कर रहा है, और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जो कि थिकनिंग एजेंट है। इसको मैंने चिंटू द वुडन स्पून के जुड़वा भाई मिंटू द वुडन स्पून से अच्छे से मिक्स किया और रख दिया मीडियम आंच पर गाढ़ा होने के लिए। यहाँ आपको अपने कान खड़े रखने होंगे, सिक्योरिटी अलर्ट करनी होगी, घर के सारे सिक्योरिटी कैमरास ऑन कर रखने होंगे, क्योंकि ये पुडिंग जलेगी। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो कि ये ना जले, जितने मर्जी चम्मच चला के कश्तियाँ चलाओ, इसने जलना ही जलना है। और इसलिए नहीं कि आपकी खूबसूरती से जलन होगी इसको, बल्कि इसलिए कि कंडेंसड मिल्क की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है। इसलिए जैसे ही पुडिंग थिक हो, कंडेंस्ड मिल्क जलना शुरू हो जाए, तो इसको दस्ती उतार लेना है और उतार कर इसको अपने ठंडे खुश्क बिस्कुटों की लेयर पर डाल देना है और फिर से रख देना है फ्रिज में। अब इसको चिल होने के लिए 1 घंटे तक फ्रिज में छोड़ देना है। मीनवाइल क्या करना है कि मेरे चैनल की बाकी वीडियोस देखनी है, उनको लाइक करना है, सना यू आर द बेस्ट वाले कमेंट्स करने हैं, और फिर वापस आना है क्योंकि पुडिंग अब तक फर्म हो चुकी होगी। तो उसके ऊपर मैंने डाल दी जेली बना के। अब जेली बनाना सबको ही आता है, 1.5 कप गर्म पानी में पैकेट डिजॉल्व करके चिल करना होता है, तो मैंने भी वही किया है। जेली का मिक्सचर मैंने इसके ऊपर डाल दिया, तीसरी लेयर दी, और उसको मैंने रख दिया फ्रिज में ओवरनाइट। अब क्योंकि मेरे पास खुश्क बिस्कुट बच गए थे, इसलिए मैंने इसको फेंकने की बजाय सोचा कि अलग से बैच बनाते हैं, लाइक व्हाई नॉट। तो मेरे राउंड केक पैन पे बिस्कुटों और पुडिंग की लेयर लगा दी, क्योंकि मुझे ओरिजिनल रेसिपी थोड़ी बोरिंग लग रही थी, क्योंकि उसमें कुछ बाइट करने के लिए था नहीं, तो मैंने इस वाले में कैंड फ्रूट्स डाल दिए ताकि सारा कुछ मशी मशी ना हो, बाइट करने के लिए कुछ होना चाहिए। फ्रूट्स के बाद मैंने जेली डाल दी और उसको फ्रिज में रख दिया। अब सब चिल हो गया तो मैंने डिशेस बाहर निकाली, अपनी पुडिंग बाहर निकाली, उसके पीसेस काटे, दिखने में इट्स रियली प्रिटी। लेकिन जब मैंने इसका पीस उठाया तो बिस्कुट जो के बहुत ड्राई थे ऑब्वियसली टूट गए। मैं गलती से उस क्लिप को रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन यू कैन सी कि बिस्किट्स का क्रस्ट स्टिल क्रम्स में है, और जो मैंने दूसरा बैच बनाया था उसका भी सेम रिजल्ट था। लेकिन इसका पता नहीं चलेगा अगर आप इसको डिश से ही निकाल के बॉल में सर्व करो। अगर इसके बार्स बनाने की कोशिश करोगे तो भैया इसने मेस क्रिएट करना है। लेकिन अगर आप बार्स बनाना चाहते हो तो 200 ग्राम बिस्किट्स की जगह 100 ग्राम बिस्किट लो, और अगर 200 ग्राम बिस्किट्स ले रहे हो तो 1/2 कप मक्खन लो। समझ रही हो ना मेरी बात, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। बाकी मैं सजेस्ट करूंगी कि फ्रूट्स डाल ही लो, बगैर फ्रूट्स के मुझे इसका टेक्सचर अच्छा नहीं लगा। जेली और पुडिंग एक ही जैसी कंसिस्टेंसी की होती है, तो मुझे समझ नहीं आया कि इसको मेल्ट करके खाना है या चबा के खाना है। फ्रूट्स से तो एक टेस्ट भी अच्छा हो रहा है और टेक्सचर भी डिफरेंट आ रहा है। बाकी अगर आपकी मर्जी, जो करना है जो बनाना है बनाओ, लेकिन जो भी बनाओ उसकी पिक्चर मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर दिखाना। मैं सिर्फ वो पिक्चर्स ही अपनी स्टोरी पर लगाती हूँ जो कि मेरी रेसिपी से बनाई हुई होती हैं। बहुत से लोग नान छोले मगज पाए जैसी पिक्स मुझे भेजते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि सना स्टोरी पर तू लगाती नहीं हो, तो भाई मेरी रेसिपीज बनाकर दो, सिर्फ वही लगेंगी। और अगर मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे जरूर सब्सक्राइब करो, और मुझे रेसिपीज भी बताओ जिसको मुझे टेस्ट करना चाहिए। ये रेसिपी ठीक थी, शायद रेशियो बताने में या तो मिस्टेक हो गई है, या मैं क्या बोल सकती हूँ।
तो आपने इसको ट्राई करना, मुझे बताना कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। और आज के लिए बस इतना ही था, लास्ट रेसिपी मेरी यही रही, यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो, मेरा पहला चैनल है सनस बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।